हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रीत तिवारी और मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ राउंड फेस के साथ कैसे कैसे हेयर स्टाइल अच्छे लगते हैं। तो राउंड फेस में सबसे पहले तो आपको एक बात की ध्यान देनी है कि आपको आपका ये कट थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए, मतलब आपको हेयर ज़्यादा से ज़्यादा बालों पर फेस पर इस तरीके से रखना है। और आपको आपका जो फेस है राउंड फेस वालों को पफ बनाना चाहिए। पफ वाला लुक काफ़ी अच्छा लगता है और अट्रैक्टिव लगता है। तो राउंड फेस पे पफ वाला लुक ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप बना लो। पफ वाला लुक के साथ आप बहुत ही प्यारे लगोगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और हाँ, लाइक तो अभी से कर दीजिए, आप लोग लाइक करना भूल जाते हो गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो राउंड फेस पे आप ये देखिए, फेस राउंड फेस इस टाइप का, तो मेरा फेस राउंड ही है। तो आपको ये वाली चीज़ थोड़ी ज़्यादा होती है, तो ये चीज़ ढकने की ज़रूरत होती है और यहाँ से पफ वगैरह बनाने की ज़रूरत होती है। इससे आपका फेस काफ़ी सुंदर लगेगा और अच्छा दिखेगा। तो चलिए पहला हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हेयर स्टाइल मैं पफ के साथ ही शुरू करती हूँ। तो राउंड फेस वाले अक्सर अगर हाँ राउंड फेस वालों को बैंग्स कैसे कट कराना चाहिए, लॉन्ग बैंग्स कट कराना चाहिए। लॉन्ग बैंग्स उनके फेस पे ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओके, तो पफ बनाने के लिए आपको आप हाफ पफ बना सकते हो, फुल पफ बना सकते हो, दोनों ही तरीकों में आप अच्छे लगोगे। जैसे आपने हाफ पफ बनाया, लेकिन जब आप पफ बनाते हो तो आपका साइड से लेयर्स फेस पे घिरे होने चाहिए, तभी आपका फेस अच्छा लगेगा। ओके, तो मैंने ये तरीके से पफ बना लिया। तो ये तो मेरा फर्स्ट हेयर स्टाइल अभी कंप्लीट होने वाला है, दिखाती हूँ मैं कल लुक। तो जैसे आपने राउंड फेस पे इस तरीके से आपको पफ बनाना होता है और जितना मतलब आपके फेस पे हेयर गिरे रहेंगे उतना ही आपका फेस अच्छा दिखेगा। आप शॉर्ट बैंग्स भी कट करा सकते हो इसके, जो आईज के जस्ट यहाँ से रहे। ओके, तो इस तरीके से बना सकते हो। आप चाहो तो इसके साथ यहाँ के हेयर को उठा के यहाँ पे क्लच करो, बट ये ध्यान रखो कि आपका ये एरिया कवर होना चाहिए। तो राउंड फेस के लिए फर्स्ट हेयर स्टाइल ये है हाफ पफ, और फेस पे तो आपके हेयर साइड से होने ही होने चाहिए, तो इसमें भी आप काफ़ी अच्छे लगोगे। राउंड फेस के लिए ये पहला हेयर स्टाइल है। तो चलिए सेकंड हेयर स्टाइल की तरफ चलते हैं। राउंड फेस पे सेकंड हेयर स्टाइल आपको कैसे करना है, और आप आगे हेयर रखोगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा। अगर अदरवाइज आप पोनी बना सकते हो, पूरा साइड पोनी बना सकते हो, ऐसे करके यहाँ पे पोनी बना लो तो भी बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे मैं बना के दिखा देती हूँ। तो ये देख सकते हो, तो इस तरीके से आप राउंड फेस पे हेयर स्टाइल कर सकते हो। तो ये हमारा पहला हेयर स्टाइल हो गया। सेकंड हेयर स्टाइल में आपको क्या करना है, तो चलिए सेकंड हेयर स्टाइल बना के तो राउंड फेस पे आपको तो राउंड फेस पे सेकंड हेयर स्टाइल के लिए आपको हमेशा मैसी सा लुक बनाना चाहिए। उसके लिए आपको जैसे आपने ऐसे हेयर उठाया, ओके, यहाँ से आपने हेयर उठा लिया, आप सिंपली क्लच कर सकते हो। जब जैसे ही आप क्लच करते हो, जैसे आपने ऐसे हेयर उठा लिया, सिंपल और इजी हेयर स्टाइल है सारे। आप जब क्लच करोगे तो आप याद रखिए कि आपको बैक से थोड़ा सा हेयर को इस तरीके से पुल कर लेना है। ओके, मैसी सा लुक दे देना है अपने पफ को, और ये इस तरीके से हेयर को निकाल लेना। तो ऐसे भी काफ़ी अच्छा लगेगा आपका फेस। अगर आपका फेस राउंड है तो ये हेयर स्टाइल भी काफ़ी अच्छा लगेगा। ओके, तो कोशिश कीजिए कि मैसी सा हेयर स्टाइल बने आपके फेस पे, तो बहुत ही प्यारा लगता है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल। तो आप राउंड फेस पे इस तरीके से हेयर स्टाइल कर सकते हो। तो चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। थर्ड हेयर स्टाइल में जब भी आप पफ बनाते हो तो आपको
जैसे आपने पफ बनाना है तो आपको आगे से इतने हेयर छोड़ देने चाहिए, उसके बाद आप पफ बनाओ। और इधर का भी एरिया ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा फ्लैट हो जाए, आपको इधर से भी हेयर लेने हैं। उसके बाद आप पफ बनाओ। और ये वाला हेयर्स आपको ऐसे बैक साइड में लेके जाना है और यहाँ पे क्लिप कर देना है, तो ये भी काफी अच्छा लगेगा राउंड फेस के साथ हेयर स्टाइल। तो ये हमारा हाँ मैसी लुक जरूर देना है अपने बालों में। तो ये हमारा थर्ड हेयर स्टाइल हो गया। चलते हैं चौथे हेयर स्टाइल की तरफ। तो ये हमारा थर्ड हेयर स्टाइल है राउंड फेस के लिए। ओके, तो फोर्थ हेयर स्टाइल में आपको क्या करना है राउंड फेस के लिए। पांचवी हेयर स्टाइल में आपको क्या करना है, अगर आपका राउंड फेस है तो आपको पूरा यहाँ से ईयर के पास से हेयर को लेना है, ऊपर की तरफ लेके जाना है। अच्छे से कॉम कर लीजिए। ओके, हल्का हल्का खींचिए, मैसी सा मतलब लुक दे दीजिए अपने बालों को। ओके, और साइड से अपने हेयर्स निकाल दीजिए, जो भी लेयर आपको निकालनी है। इसके बाद पफ बनाओ। राउंड फेस वालों को बड़ा पफ काफी प्यारा लगता है, मतलब फेस पे काफी अच्छा लगेगा। तो ये हमारा पांचवा हेयर स्टाइल हो गया राउंड फेस के साथ। तो आई होप आप लोगों को सारी वीडियोज अच्छी लगी हो, सारे हेयर स्टाइल अच्छे लगे हो, ईजी हैं और बहुत ही प्यारे लगेंगे आपके राउंड फेस के साथ, जैसे कि मेरे साथ अच्छे लग रहे हैं। आप लोग बताइएगा कैसे लग रहे हैं राउंड फेस, मेरा भी राउंड फेस है। आपको साइड से हमेशा इस तरीके से हेयर फेस पे आने चाहिए, कभी भी आपको इस तरीके से फ्लैट करके नहीं बांधना है तो आपका फेस अच्छा नहीं लगेगा। आपको यहाँ से मैसी लुक चाहिए, थोड़ा सा वॉल्यूम चाहिए, तो उसके लिए आप इस तरीके से बना सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। हाँ, इंडियन यूट्यूबर प्रीति वाई चैनल पर मैं कपड़ों की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो बताती हूँ, तो वहाँ पर भी जाके जरूर देख लीजिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल।